हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इनफिनाइट फूड। आज हम बनाने वाले हैं मैगडी स्टाइल वाला पटेटो हैश ब्राउन, वो भी विदाउट एग। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हैश ब्राउन बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के पटेटोज लिए हैं, जिनको मैंने स्किन निकाल कर वॉश कर लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। सारे पटेटोज़ को हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए लास्ट पटेटो है, इसको भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए पटेटो हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसमें चिल्ड वाटर ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। फिर हम इसे वॉश कर लेंगे। ये मैंने इसमें चिल्ड वाटर ऐड किया है फ्रिज का। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट के लिए हमने इसको चिल्ड वाटर में रहने दिया था। अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। मैं इसे वॉश करके लाती हूँ। देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है। इसमें आप कोई भी छन्नी या आटा छानने वाली छन्नी रख सकते हैं। यहाँ हम इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे। ये ग्रेट किए हुए पटेटो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसका हमें बेसिकली सारा वाटर निकालना है, जो भी एक्सेस वाटर है इसमें से वो हमें निचोड़ देना है। देखिए इस तरह से चारों कोनों से इस कपड़े को उठाकर इस तरह हम इसको निचोड़ देंगे, जो भी एक्सेस वाटर है इसमें वो सब निकल जाएगा। चलिए ये तो हो गया है। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 टीस्पून के आसपास बटर ऐड करूँगी, और जो पटेटो हमने ग्रेट करके वॉश करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे सारे। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सारे पटेटोस। इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, उससे ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। बस थोड़ा सा ही 4-5 मिनट के लिए इसे स्टिर करते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मैं अब इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ, और इसे हम ठंडा होने देंगे, तब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। इसे मैं रख देती हूँ, थोड़ा चला देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए जल्दी से। अप्रोक्स 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 टीस्पून के आसपास हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे, और 2 टीस्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो थोड़ा सा ग्राइंडर में चावल को ग्राइंड करके भी उसका पाउडर बनाया जा सकता है, वो यूज़ कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करें। थोड़ा सा हमने इसमें ग्रेटेड चीज़ ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक डो तैयार कर लेंगे हैश ब्राउन बनाने के लिए। मैं इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना, और खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है। बाहर से क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ी होगा, जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए हमारा ये डो प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसके हैश ब्राउन बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर रख लिया है, आप चाहें तो कोई प्लेट भी रख सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इस मिक्सचर को हाथ में लेंगे और इस तरह इसकी बोल शेप बनाएंगे, और इसको इस तरह प्रेस करके एक ओवल शेप दे देंगे। वैसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन ओवल शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चों को वही चाहिए होता है मार्केट वाले स्टाइल का। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ओवल शेप में ही बनाएं, उनको बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए इस तरह की शेप में बना लिया है मैंने इसको, और इसी प्रोसेस से मैं सारे हैश ब्राउन बना लूँगी और फिर हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। एक बार घर पर बच्चों के लिए ज़रूर बनाना, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। देखिए सारे हैश ब्राउन बना लिए हैं मैंने इसी प्रोसेस से। थोड़े से मैं इसमें सेसमे सीड्स ऐड कर रही हूँ, तेल ऐड कर रही हूँ थोड़े से, अच्छे लगेंगे वो। थोड़ा सा क्रंची सा बनेगा तो और भी अच्छे लगेंगे। इसको इस तरह प्रेस कर देंगे ताकि तेल इस पर थोड़े से चिपक जाए। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करने की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक पैन में ऑयल रख दिया है। हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है, इसलिए मैंने इस तरह का पैन लिया है। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पे एक साइड से रोस्ट करेंगे 5 मिनट के लिए, और जब 5 मिनट्स बाद नीचे से रोस्ट हो जाएगा तब हम इसको फ्लिप कर देंगे। देखिए मैं नीचे से रोस्ट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए, मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ। ये वाला भी फ्लिप कर देती हूँ मैं। थोड़ी सी पैन में जगह बन गई है, मैं इसमें एक और ऐड कर रही हूँ। एक और रख देते हैं इसके अंदर, ये भी सिक जाएगा साथ में ही। इसको भी फ्लिप कर देते हैं।
जो हमने पहले देखे जो 3 ऐड किए थे वो लगभग हो चुके हैं, उन्हें हम निकाल लेते हैं। अब ये मैं निकाल लेती हूँ और इसी प्रोसेस से हम सारे हैश ब्राउन अपने रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा यमी सा, मज़ेदार सा और क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार हो रहा है। आज बारिश हो रही थी तो कुछ मज़ेदार सा खाने का मन करने लगा, तो मैंने सोचा कि हैश ब्राउन बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ रेसिपी। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और इजी है। आज तक भला मैंने आपको कोई भारी रेसिपी बताई है? देखिए, ये सारे हैश ब्राउन हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें अब मैं निकाल लेती हूँ और फिर इन्हें हम सर्व कर लेंगे। आप इसे अपनी चॉइस की किसी भी सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट या टी टाइम स्नैक्स की तरह सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में, बिल्कुल बाजार जैसा बना है। तो चलिए, आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। मैं फिर से आऊँगी एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।